ऑल राइट फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग थर्ड पार्ट ऑफ प्रोसेस। पहले पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोसेस करने के बाद, दिस इज योर P1, प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिलता था, ओनली फिनिश्ड गुड्स। ये हम लोगों ने किया था चैप्टर सिक्स के अंदर, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, कि आफ्टर द प्रोसेस वी आर गेटिंग ओनली फिनिश्ड गुड्स। सेकेंड मैंने आपको किया था चैप्टर सेवन में क्या था, आफ्टर द प्रोसेस वी आर गेटिंग फिनिश गुड्स एज वेल एज WIP। अपने को फिनिश गुड भी मिल रहा है और अपने को WIP भी मिल रहा है। थर्ड अप आपका आएगा कि आफ्टर द प्रोसेस अगर हम लोग को जॉइंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं या बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बराबर। क्वेश्चन बुक में ये स्टार्ट होगा पेज नंबर 63 से और सॉल्यूशन बुक में ये स्टार्ट होगा पेज नंबर 10.1 से। सॉल्यूशन बुक में कहाँ से स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, 10.1 से। अब आप एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक बार अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गया तो फिर आपको टॉपिक को करने में बहुत मजा आएगा। सही है, सुनो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक सिचुएशन लेता हूँ। मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि अगर आप सिचुएशन से जाओगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। मैं आपके सामने एक सिचुएशन लेके चलता हूँ। सिचुएशन में क्या है, जैसे सपोज मैंने आपसे पूछा, ये मेरा एक है प्रोसेस और ये प्रोसेस में मैंने इनपुट डाला है सपोज से मिल्क। मैंने क्या इनपुट डाला है, मैंने इनपुट डाला है सपोज मिल्क, एंड प्रोसेस करने के बाद मुझे आउटपुट में मिल रहा है सपोज बटर मिल्क एंड बटर। प्रोसेस करने के बाद फ्रेंड्स मुझे क्या मिल रहा है, बटर मिल्क एंड बटर। सपोज मैंने 1000 लीटर्स डाला मिल्क, ये मिल्क को मैंने प्रोसेस किया, मिल्क को प्रोसेस करने के बाद बटर मिल्क मिला एंड बटर मिला। सपोज बटर मिल्क मुझे मिला, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ केजी में, सपोज ना 500 केजी, और बटर मुझे मिला सपोज से 100 केजी। मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगा सपोज 1000, या सपोज यू कैन से 10,000। कॉस्ट ऑफ सपोज लेबर लगा 5,000 और कॉस्ट ऑफ ओवरहेड लगा सपोज से 5,000, एंड मेरा टोटल कॉस्ट हो गया 20,000। सही है सुनो फ्रेंड्स, ये 20,000 को हम लोग बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट, ये 20,000 को हम लोग बोलेंगे प्री सेपरेशन कॉस्ट, ये 20,000 को हम बोलेंगे कंबाइंड कॉस्ट, इसको हम बोलेंगे कॉमन कॉस्ट। आर यू गेटिंग ऑन नॉट फ्रेंड्स, क्या मेरा क्वेश्चन था, मैंने एक इनपुट डाला मिल्क, मिल्क मैंने लिया मटेरियल 10,000 रुपीज, 10 रुपीज पर लीटर से मुझे मिला, लेबर मुझे मिला 5,000 का, ओवरहेड मेरा हुआ 5,000, मेरा टोटल कॉस्ट हो गया 20,000। इसको हम बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट, इसको हम बोलेंगे कंबाइंड कॉस्ट, इसको बोलेंगे प्री सेपरेशन कॉस्ट। ये आपका क्या है, ये आपका सेपरेशन पॉइंट है, ये आपका क्या है, ये आपका है सेपरेशन पॉइंट। यहाँ पे आपका क्या होता है, प्रोडक्ट सेपरेट होगा, दिस इज योर सेपरेशन पॉइंट। आफ्टर द प्रोसेस हमें क्या मिल रहा है, दिस इज सपोज से बटर मिल्क, मुझे कितना बटर मिल्क मिला है, 500 kg बटर मिल्क मिला है, और 100 kg मुझे क्या मिला है, बटर। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है कि आपको टॉपिक को कैसे समझना है, फर्स्ट व्हाट इज टॉपिक इटसेल्फ, एंड सेकंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ। सपोज आप किसी के कॉस्ट कंसल्टेंट हैं, कोई कंपनी के कॉस्ट कंसल्टेंट है, और कंपनी आपसे पूछती है कि भाई हमने ये प्रोसेस किया है, प्रोसेस में हमारा जॉइंट कॉस्ट खर्चा हुआ टोटल 20,000, एंड आफ्टर द प्रोसेस हमें क्या मिल रहा है, आफ्टर द प्रोसेस मुझे मिल रहा है बटर मिल्क 500 kg, बटर 100 kg, और मैंने टोटल खर्चा किया है 20,000। तो 20,000 में से हाउ मच इज द कॉस्ट फॉर बटर मिल्क एंड हाउ मच इज द कॉस्ट फॉर बटर, ये आपको बराबर से बताना। आपको कुछ लिखना नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ दे रखा है, जस्ट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एग्जाम्पल। सही है सुनो, ये जो 20,000 है उसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट कॉस्ट बोलेंगे, इसको कंबाइंड कॉस्ट बोलेंगे, इसको प्री सेपरेशन कॉस्ट बोलेंगे, इसको कॉमन कॉस्ट बोलेंगे। कि आउट ऑफ दिस 20,000 रुपीज, जो 20,000 हम लोगों ने खर्चा किया है,
आफ्टर द प्रोसेस हमें जो 20,000 का खर्चा हुआ है उसमें से हाउ मच इज द कॉस्ट फॉर बटर एंड हाउ मच इज द कॉस्ट फॉर बटर। तो आप सिंपली बोल सकते हो सर 20,000 है 500:100 के रेशियो में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा बेसिक अजम्पशंस। हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमको लेने पड़ेंगे बेसिक अजम्पशन। तो पहला आप लिख लीजिए फ्रेंड्स, दिस इज योर बेसिक अजम्पशंस। अजम्पशंस में सबसे पहला आएगा आपका फिजिकल एंड आउटपुट। फिजिकल आउटपुट इट मींस बटर एंड बटर मिल्क, ये 100 kg, ये 500 kg, ये आपका जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट ऑफ से रुपीस 20,000 को वी विल एलोकेट इन द रेशियो ऑफ 100:500। इट मीन्स 20,000 डिवाइडेड बाई 600 × 100, दिस कम्स टू 3333 × 5, दिस कम्स टू 16666, और यू कैन से 16667 डिवाइडेड बाई वॉट इज योर आउटपुट, आउटपुट इज 100, आउटपुट इज 500। वॉट इज द कॉस्ट पर के जी, इट मीन्स कॉस्ट पर के जी विल बी 33333 डिवाइडेड बाई 100 इज 33.33 एंड 16667 डिवाइडेड बाई 500 एंड दिस कम्स टू 33.33 ओनली। अब ये आपका कॉस्ट तो करेक्ट है, आपका जो एलोकेशन आ रहा है वो तो करेक्ट है, बराबर ठीक है। 30 ये आपको आपने खर्चा किया 20,000 एंड आफ्टर द प्रोसेस आपको बटर मिल गया 100 और आपको बटर मिल गया 500, यू कैन एलोकेट इन द रेशियो ऑफ दिस। बट हाउ कैन यू से द कॉस्ट ऑफ बटर एंड द कॉस्ट ऑफ बटर मिल्क इज सेम, बिकॉज बटर 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 इज वेरी कॉस्टली एंड बटर मिल्क इज वेरी लेस कॉस्टली। हमारा जो इंटेंशन, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है बटर, लेकिन बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर ही ऐसा है कि हमको बटर के साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, बटर मिल्क। बटर के साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, बटर मिल्क, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर ही ऐसा है। आर यू गेटिंग नोट, मटेरियल का नेचर ही ऐसा है कि 20,000 20 में से 100:500 हमने किया आ गया। हाउ कैन यू से, प्रॉब्लम क्या है, हाउ कैन यू से द कॉस्ट ऑफ बटर एंड कॉस्ट ऑफ बटर एंड द कॉस्ट ऑफ बटर मिल्क इज सेम। आप कैसे बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ बटर एंड कॉस्ट ऑफ द बटर मिल्क इज सेम, बिकॉज द बटर इज वेरी कॉस्टली एंड बटर मिल्क इज वेरी लेस कॉस्टली। कुछ बोला नहीं है, कुछ बोला नहीं है, हमको बोला कि भैया 20,000 को आप एलोकेट करिए। एलोकेट करेंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा, बेसिक अजम्पशन। बेसिक अजम्पशन लेंगे तो क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने एलोकेट किया इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट। सो फिजिकल आउटपुट में हम लोग एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल आउटपुट कब एलोकेट नहीं कर सकते, इफ द प्रोडक्ट्स आर हैविंग ए डिफरेंट नेचर। दोनों का अगर नेचर अलग अलग है, दोनों का अगर नेचर अलग अलग है, देन यू कांट कैलकुलेट इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट, अगर दोनों का नेचर अलग अलग है। यहाँ पे नेचर अलग अलग है, बटर इज वेरी कॉस्टली, बटर मिल्क इज वेरी लेस कॉस्टली, बटर इज वेरी कॉस्टली एंड बटर मिल्क इज वेरी लेस कॉस्टली, यू कांट एलोकेट। हाँ, सपोज अगर मैं आपको बोलता 20,000 rupees खर्चा किया, यू हैव इनकर 20,000 rupees, 20,000 rupees इनकर करने के बाद आपको दो चीज़ें मिलती हैं, 100 samosa 100 kachori। नाउ 100 samosa 100 kachori, समोसा एंड कचौरी आर ऑलमोस्ट हैविंग ए सेम नेचर। समोसा एंड कचौरी आर ऑलमोस्ट हैविंग ए सेम नेचर। अगर सेम नेचर है देन यू कैन एलोकेट इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट। या मैं आपको बोलता हूँ 20,000 rupees खर्चा किया, खर्चा करने के बाद मुझे गैसोलाइन एक्स गैसोलाइन वाई मिला, 100 kg ऑफ गैसोलाइन एक्स 100 kg ऑफ गैसोलाइन वाई। हमको पता नहीं है, हमको नेचर नहीं पता है,
गैसोलाइन एक्स क्या है, गैसोलाइन वाई क्या है, यू कैन एलोकेट इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट. लेकिन अगर दोनों प्रोडक्ट का, अगर दोनों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस अलग अलग दे रखा है, अगर दोनों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस अलग अलग दे रखा है, इसका मतलब उनका नेचर अलग हो गया. अगर प्रोडक्ट का, अगर दोनों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, अगर दोनों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस अलग अलग दे रखा है, इसका मतलब दोनों प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, नेचर सेम हो जाएगा. दोनों प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, अगर नेचर अलग अलग हो जाएगा क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग है, देन यू कैन एलोकेट इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट. देन यू कैन एलोकेट इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट. देन यू कैन एलोकेट इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट. सही है सोनू फ्रेंड. तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में, आप जरा देखिए मेरा पेज नंबर 10.1 सॉल्यूशन बुक आप निकालिए. दिस इज योर सॉल्यूशन बुक. सॉल्यूशन बुक का आप निकालिए. सॉल्यूशन बुक एंड दिस इज योर पेज नंबर 10.1. सॉल्यूशन बुक, सॉल्यूशन बुक का क्या है, पेज नंबर 10.1. देखिए मेथड्स फॉर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट. मेथड्स फॉर मिला फ्रेंड्स आपको चैप्टर नंबर 10 में, पहले ही पेज पे मैंने आपको दे रखा है. मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, मेथड फॉर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, प्री सेपरेशन कॉस्ट, कंबाइंड कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट, एजम्पशन. पहला एजम्पशन आपको दे रखा है, एजम्पशन वन आपको दे रखा है, इज ए फिजिकल आउटपुट. मैंने क्या लिखा है, एज पर दिस मेथड द एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट इज बेस्ड ऑन फिजिकल आउटपुट विच वी आर गेटिंग आफ्टर द, ये आपका क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं सेपरेशन पॉइंट. सेपरेशन पॉइंट करने के बाद हमें दो प्रोडक्ट मिले, बटर एंड बटर मिल्क, 100 केजी बटर, 500 केजी बटर मिल्क. एज पर दिस मेथड द एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट इज बेस्ड ऑन फिजिकल आउटपुट विच वी आर गेटिंग आफ्टर एट सेपरेशन पॉइंट. बट अबव मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर हैविंग ए डिफरेंट नेचर और डिफरेंट सेलिंग प्राइस. ये मेथड आपका जब अप्लाई नहीं होगा, अगर प्रोडक्ट का नेचर अलग अलग है, दोनों प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट का अगर सेलिंग प्राइस अलग अलग है, दो प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट का अगर सेलिंग प्राइस अलग अलग है, दोनों का अगर नेचर अलग अलग है, देन यू कांट एलोकेट इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट. सही है सोनू फ्रेंड्स. फिजिकल आउटपुट में कब होगा, अगर दोनों प्रोडक्ट का नेचर सेम है, सेलिंग प्राइस नहीं गिवन है, समोसा कचौरी है या सेलिंग प्राइस सेम है, देन यू कैन एलोकेट इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट. ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, अजम्पशन. आपको बिजनेस में एक सिचुएशन देगा, एग्जाम में आपको एक सिचुएशन देगा और आपको बोलेगा कि एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट. सेकेंड फ्रेंड्स आपका आता है कि सपोज अगर ये नहीं है तो देन यू कैन गो टू एंड इसको बोलेंगे नेट कॉस्ट. नेट कॉस्ट इसके मतलब हमारा नेट कॉस्ट कितना लगा था, दे रखा है ₹20,000. क्वेश्चन में आपको दे रखा है ₹20,000, ये हमारा 20,000 है. अच्छा, अपना जो मेन प्रोडक्ट था वो क्या था, अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो है बटर. हमारा जो मेन प्रोडक्ट था वो था बटर, लेकिन बटर के साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, इज ए बटर मिल्क. मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, बटर. मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, बटर, और बटर के साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, इज ए बटर मिल्क. तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई ठीक है, ये हमारा टोटल जॉइंट कॉस्ट है, दिस इज माय जॉइंट कॉस्ट एंड जॉइंट कॉस्ट इज 20,000. उसमें से आप डिडक्ट कर दीजिए रियलाइजेशन फ्रॉम बटर मिल्क. बटर मिल्क को मार्केट में बेचो, सपोज 500 इंटू ₹1 पर केजी, 500 और 19,500, ये आपका कॉस्ट हो जाएगा किसका, दिस इज द जॉइंट कॉस्ट ऑफ बटर. जैसे हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं करते थे, टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, चैप्टर नंबर 6 में आपको नहीं सिखाया था, इक्विवेलेंट में आपको नहीं सिखाया था, टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाई इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस. वहाँ पे हम नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल जो लॉस है उसका कॉस्ट नहीं निकालते थे,
वहाँ पे हम जो नॉर्मल लॉस था उसका कॉस्ट नहीं निकाल रहे थे, वहाँ पे हम जो नॉर्मल लॉस था उसका कॉस्ट नहीं निकाल रहे थे, यहाँ पे हम जो नॉर्मल लॉस है उसका भी कॉस्ट निकाल रहे हैं। हमको यहाँ पे दोनों का कॉस्ट चाहिए। ये केस में क्या होगा, ये केस में क्या होगा, ये आपका नेट कॉस्ट आ गया, जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट कितना है, से 20,000 रियलाइजेशन फ्रॉम बटर मिल्क, आपने क्या ले लिया 500, ठीक है। आपको कॉस्ट आ गया किसका, जॉइंट कॉस्ट किसका आ गया, बटर का। किसका कॉस्ट आ गया बोलो, बटर का, बोलो किसका कॉस्ट। लेकिन व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ बटर मिल्क, क्योंकि बटर मिल्क का तो आपने क्या ले लिया यहाँ पे, रियलाइजेबल वैल्यू। बटर मिल्क का आपने क्या ले लिया यहाँ पे, आपने बटर मिल्क का क्या ले लिया, बटर मिल्क का आपने ले लिया रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पे आपने क्या ले लिया, यहाँ पे आपने ले लिया बटर मिल्क का रियलाइजेबल वैल्यू। सही है सुनो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये मेथड आपका फेल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको जॉइंट कॉस्ट ऑफ बटर आएगा लेकिन जॉइंट कॉस्ट ऑफ बटर मिल्क नहीं आएगा, क्योंकि बटर मिल्क का यू आर टेकिंग ओनली रियलाइजेबल वैल्यू, ओनली यू आर टेकिंग सेल्स वैल्यू। बटर मिल्क का आप क्या ले रहे हो, ओनली सेल्स वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। सही है सुनो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू रियलाइजेबल वैल्यू। इसका मतलब ये मेथड आपका दूसरा अजम्पशन, जो आपने दूसरा अजम्पशन दिया वो अजम्पशन भी आपका फेल हो जाएगा। तो आप जरा देखिए पेज नंबर 10.1 पे मेरी जो थ्योरी नोट्स आपको दे रखे, नेट कॉस्ट एज दिस द एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट इज बेस्ड ऑन नेट कॉस्ट, एज दिस द एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट इज बेस्ड ऑन नेट कॉस्ट। व्हाट डू मीन बाय नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट मीन्स योर टोटल जॉइंट कॉस्ट, योर टोटल जॉइंट कॉस्ट लेस रियलाइजेशन फ्रॉम वन प्रोडक्ट, लेस रियलाइजेशन फ्रॉम वन प्रोडक्ट, और आपका क्या हो जाएगा नेट कॉस्ट। बट द अबव मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, बट द अबव मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट एलोकेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट एलोकेशन। अगर हमको दोनों प्रोडक्ट का चाहिए, बटर का कितना कॉस्ट है, बटर मिल्क का कितना कॉस्ट है, अगर हमको ये चाहिए तो फिर हम इसमें नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग ऑन, क्योंकि यहाँ पे तो खाली हमें क्या आ रहा है, ओनली बटर का कॉस्ट आ रहा है, हमको बटर मिल्क का कॉस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि बटर मिल्क का वी आर टेकिंग ओनली द रियलाइजेबल वैल्यू। सही है सर फ्रेंड्स। थर्ड फिर आपका आएगा फ्रेंड्स, तीसरा हम बोलते हैं इसको, थर्ड हमारा आएगा फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए, दिस इज योर थर्ड हमारा आएगा सेल्स वैल्यू और मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेल्स वैल्यू और मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। आप देखिए जरा हमने क्या निकाला, आफ्टर द प्रोसेस हमें क्या मिल रहा है, बटर मिल्क मिल रहा है, बटर मिल्क हमारा 1 रुपी के हिसाब से 500 बटर मिला। व्हाट आई सपोज से यू कैन से ये आपका सपोज से 500, इट मींस 500 इंटू 100 इज 50,000। ये दोनों का मार्केट वैल्यू, ये दोनों का सेल्स वैल्यू और दोनों का मार्केट वैल्यू है इसका, ये अपना P1 बोलते हैं इसको, सेल्स एट सेपरेशन पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे P1, और इसको क्या बोलेंगे सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट पे हमारा कितने में ये बिक रहा है, 1 रुपी में, इट मीन्स हमें 500 मिलेगा, ये बिक रहा है 500 रुपीज में, इट मीन्स 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने खर्चा कितना किया था 20,000, हम लोगों ने खर्चा कितना किया था 20,000, और हमें मिल कितना रहा है 500 प्लस 50,000, हमें मिल कितना रहा है 500 प्लस 50,000, हमें कितना मिल रहा है 5, तो इसके रेशियो में एलोकेट कर देंगे, ये बेस्ट हो गया भाई। हमें टोटल रियलाइजेशन कितना मिला 50,500, 50 प्लस 500, खर्चा कितना हुआ 20,000, तो ये प्रपोर्शन में हम लोग एलोकेट कर देंगे। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, इस मेथड को हम बोलेंगे सेल्स वैल्यू और मार्केट वैल्यू, सेल्स वैल्यू और मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, इस मीन्स दिस इज योर
बटर, दिस इज योर बटर मिल्क, 50,000 इज टू 500 एंड टू एलोकेट जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट ऑफ 20,000, इट मीन्स 20,000 डिवाइडेड बाई 5,500 इन टू 50,000 इज 19,801 माइनस 20 इज 198। ये रेशो में आप इसको एलोकेट कर दीजिए, मीन्स यू एलोकेट इन द रेशो ऑफ, यू एलोकेट इन द रेशो ऑफ 50,000 इज टू 500। यू कैन एलोकेट इन द रेशो ऑफ 50,000 इज टू 500। सही है सुनो फ्रेंड्स, आप इस रेशो में इसको एलोकेट कर सकते हो करके ना, आप इसको इस रेशो में एलोकेट कर सकते हो करके ना फ्रेंड्स। सही है सुनो, आपको परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो? यू कैन एलोकेट, लेकिन इसके लिए ये मेथड कब फेल होगा आपका, ये मेथड कब फेल होगा, इसके लिए आपके दोनों जो प्रोडक्ट है उसका सेल्स वैल्यू होना चाहिए पी वन पे, मतलब दोनों ही प्रोडक्ट आपके पी वन पे सेल होने चाहिए, तभी तो आपको मार्केट वैल्यू मिलेगा, तभी तो आपको मार्केट वैल्यू या सेल्स वैल्यू एट पी वन मिलेगा। देन यू एलोकेट इन द रेशियो ऑफ दिस बटर एंड बटर मिल्क, आपको तभी तो आपको एलोकेट करने को मिलेगा करके। सही है सुनो फ्रेंड्स, मीन्स ये आपका पी वन पर प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, ये आपका प्रोडक्ट पी वन पर सेल होना चाहिए, तभी तो हम लोग एलोकेट कर पाएंगे इन द रेशियो ऑफ दिस। अगर सपोज एक प्रोडक्ट आपका पी वन पर सेलेबल है और एक प्रोडक्ट आपका पी वन पर सेलेबल नहीं है, तो फिर ये मेथड आपका क्या हो जाएगा, फेल। देखो जरा मैंने क्या लिखा है, 3 पेज नंबर 10.1 पे आ जाइए फ्रेंड्स आप, पेज नंबर 10.1 मैंने थ्योरी नोट्स दिए, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए आपका काम हो जाएगा। सेल्स वैल्यू और मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेल्स वैल्यू और मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट एज पर दिस मेथड द एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, एज पर दिस मेथड द एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट इज बेस्ड ऑन सेल्स वैल्यू और मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। In the absence of information, the above method is the best for allocation, but not applicable if one product is sellable at separation point and other after further process. इसका मतलब अगर आपका ये product P1 पे सेल हो रहा है, ये हो रहा है P2. अब what do you mean by P2? देखो जरा मैं आपको बताता हूँ what do you mean by P2. जैसे सपोज आपको ये बटर मिल गया और ये बटर, यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ माई विलेज, आप मेरे गाँव का एग्जाम्पल लीजिए फ्रेंड्स। आई एम फ्रॉम गोकुल मथुरा, और गोकुल मथुरा आपको मालूम है कृष्ण जन्म स्थान है, बहुत ही होली प्लेस है। आपसे ये होने के बाद जरूर अपने मम्मी डैडी को लेके अगर आप नहीं गए हैं तो प्लीज़ आप जाइए, राइट। आप वहाँ जाते ही राधे राधे रटेंगे, हमारी वहाँ पर शॉप भी है गोकुल में, ओके। और वहीं से मैं आया था, मैंने आई वॉज अ फर्स्ट सी ए ऑफ गोकुल, सबसे पहला मैंने सीए किया था गोकुल में करके ना। अब हमारे गोकुल में क्या होता है फ्रेंड्स, हर घर के अंदर गाय रहती है। जब हर घर के अंदर गाय हो रही है तो हर घर के अंदर आपका मिल्क भी प्रोसेस होगा, मिल्क प्रोसेस होगा तो आपका बटर भी मिलेगा और बटर मिल्क भी आपको मिलेगा, आपको बटर भी मिलेगा हर घर में और आपको बटर मिल्क। अब nobody is going to purchase your बटर मिल्क क्योंकि सबके घर में बटर मिल्क मिल रहा है। इसका मतलब बटर तो सेलेबल है लेकिन बटर मिल्क सेलेबल नहीं है। बटर मिल्क में थोड़ा सा लोगों ने आइडिया लगाया, उनको मालूम है कि यार टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, मथुरा दर्शन करने जाते हैं, थोड़ा इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सेपरेट एक्सपेंस करते हैं, थोड़े सेलिंग एक्सपेंस करते हैं, सेपरेट एक्सपेंस, थोड़ा मिर्ची डालते हैं, थोड़ा सॉल्ट डालते हैं, थोड़ा आइस डालते हैं,
थोड़ा मिर्ची डालते हैं, थोड़ा सॉल्ट डालते हैं, सपोज 500 रुपये आपने खर्चा किया, फिर आपने सेलिंग एक्सपेंसेस बहुत सारा ऐड किया, बहुत अच्छा बटर मिल्क है, गोकुल का है, ताज़ा है, गोपियों ने बनाया है, ये आपने थोड़ा खर्चा किया 500, ये आपके क्या हो गए, सेपरेट एक्सपेंस सेलिंग, देन दिस प्रोडक्ट इज सेलेबल एट द रेट ऑफ रुपीज से 10, आपका सेलिंग प्राइस आपको क्या मिलेगा 10, इसका मतलब आपका सेल्स कितना हो जाएगा 500 इंटू 10 5000 और आपका सेपरेट एक्सपेंस 500, सेलिंग एक्सपेंस आपका 500, इसका मतलब ये प्रोडक्ट P1 पे सेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम प्रोसेस 2 करेंगे, फर्दर प्रोसेस करेंगे, थोड़ा और खर्चा करेंगे, देन दिस प्रोडक्ट इज सेलेबल, हमने थोड़ा और खर्चा किया, थोड़ा सा हमने और खर्चा किया, देन ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, सेलेबल हो गया, मीन्स प्रोसेस 2 किया, दिस इज योर प्रोसेस 2, मीन्स हमने फर्दर प्रोसेस किया, इसको P2 बनाया, मतलब थोड़ा सॉल्ट डाला, मिर्ची डाली, आइस डाली, थोड़े और सेलिंग एक्सपेंस किए, देन दिस प्रोडक्ट इज सेलेबल, इसका मतलब ये प्रोडक्ट तो सेलेबल है P1 पे, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे सेलेबल है, इज ए P2, ये हमारा कहाँ पे सेलेबल है बोलो, एट P2, देन ये प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे सेलेबल है बोलो, एट P2, ये प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे सेलेबल है बोलो, P2, बराबर है, ये प्रोडक्ट हमारा सेलेबल है P1 पे, बटर तो लोग ले जाएंगे, बटर P1, लेकिन ये प्रोडक्ट में ये खर्चा करने के बाद ही सेलेबल है, इसका मतलब हमारा ये मेथड आपका फेल हो जाएगा, ये मेथड आपका फेल हो जाएगा, ये मेथड को करने के लिए, ये मेथड में अगर आपको एलोकेट करना है तो आपका बटर एंड आपका बटर मिल्क, आपका बटर और आपका बटर मिल्क दोनों का सेल्स प्राइस, दोनों का मार्केट वैल्यू होना ही चाहिए, दोनों का सेल्स प्राइस, दोनों का मार्केट वैल्यू आपका होना ही चाहिए, तब जाके ये हो पाएगा, सही है सोनो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये मेथड भी आपका फेल हो गया। तो फिर फ्रेंड्स आपका आता है, अगर आपने सुना हो, इज ए फोर्थ मेथड, और इसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड NRV, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यू टेक सेल्स एट P2 माइनस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस सेपरेट एक्सपेंस, जो आपको बचेगा दिस इज योर एस्टिमेटेड NRV, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं सेल्स एट P1, सेल्स एट P1, ये कब निकलेगा फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देना, ये कब निकलेगा, व्हेन वन प्रोडक्ट इज सेलेबल आफ्टर फर्दर प्रोसेस, जॉइंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दो प्रोडक्ट आपको मिले, एक बटर मिल्क, मैंने आपको बताया हमारे गोकुल में सबके यहाँ बटर होता है, सबके यहाँ बटर मिल्क होता है, तो नोबडी इज गोइंग टू परचेज योर बटर मिल्क, जब कोई हमारा बटर मिल्क खरीदेगा ही नहीं तो फिर ये मेथड हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो दोनों जगह पे हमारे को क्या होना चाहिए, सेल्स एट P1, सही है सोनो फ्रेंड्स। तो ये केस में एस्टिमेटेड NRV, एस्टिमेटेड NRV में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यू टेक सेल्स एट P2, यू टेक सेल्स एट P2 माइनस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस सेपरेट एक्सपेंसेस, आपको क्या मिलेगा एस्टिमेटेड NRV, दिस NRV इज नथिंग लाइक ए सेल्स वैल्यू एट P1 इन द एब्सेंस ऑफ सेल्स वैल्यू एट P1। तो क्या दे रखा है, NRV इज नथिंग बट इट इज ए सेल्स वैल्यू, पेज नंबर 10.1 पे आप देखिए, NRV इज नथिंग बट इट इज ए सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, क्या आपने को दे रखा है फ्रेंड्स, NRV इज नथिंग बट इट इज ए सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, पहले आप ले लीजिए सेल्स एट P2 माइनस प्रॉफिट करिए,
देखिए जनाब 10.2 पेज पे दे रखा थ्योरी, सॉल्यूशन बुक में 10.2 प्रॉफिट, देन यू माइनस द सेलिंग एक्सपेंसेस, देन यू माइनस द सेपरेट एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस कौन सा? वो गोपी वाला मैंने आपको बताया था। सेपरेट एक्सपेंस कौन सा? आइस, आपका सॉल्ट, आपका मिर्ची डालने का कॉस्ट, और जो जो बचेगा उसको हम बोलेंगे एस्टिमेटेड एनर्जी। जैसे अपन ने क्या निकाला था, ये अपन ने निकाला था ना 500 इंटू 10, ये आपका क्या आ जाएगा 5000। सपोज प्रॉफिट आपको नहीं दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस 500 एंड सेपरेट एक्सपेंस 500, ये आपका क्या बचा 4000। ये 4000 आपका क्या हो जाएगा? सेल्स एट P1। ये 4000 आपका क्या हो जाएगा? सेल्स एट P1 इन द एब्सेंस ऑफ सेल्स एट P1। दिस इज योर सेल्स एट P1 इन द एब्सेंस ऑफ सेल्स एट P1। ये आपका क्या हो जाएगा? सेल्स एट P1 इन द, देखो मैंने आपको बताया था ना फ्रेंड्स, ये 500 kg बिकेगा कितने में? 10 रुपीज में। 500 इंटू 10 तो हमें क्या मिलेगा 5000। उसमें से फिर माइनस करेंगे सेपरेट एक्सपेंस 500, देन सेलिंग एक्सपेंस 500, बाकी का क्या बचेगा 4000। सही है सोनो, ये हमारा क्या हो जाएगा 4000। सो इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो इसका मतलब अब एलोकेट कैसे होगा, इट मींस दिस इज योर एस्टिमेटेड एन आर बी, इट मींस सेल्स एट P1, ये क्या होता है इक्वल टू सेल्स एट P1 इन द एब्सेंस ऑफ सेल्स एट P1। सेल्स एट P1 के एब्सेंस में ये आपका क्या हो जाएगा? इन द एब्सेंस ऑफ सेल्स एट P1 ये आपका क्या हो जाएगा? सेल्स एट P1। सही है सुनो फ्रेंड्स, इट मींस ये आपका एस्टिमेटेड NRV, ये बटर मिल्क है, ये आपका बटर है, ये 4000, और ये तो आपका P1 पे बिक ही रहा है, ये 50000। इन द रेशियो ऑफ 50000:4000 यू कैन एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट ऑफ से रुपीज 20000। सो ये 20000 को यू डिवाइडेड बाई 54 × 5 इज, दिस इज योर 20000 डिवाइडेड बाई 54 × 5000 इज 20000 डिवाइडेड बाई 54 × 50000 इज 18518 एंड माइनस 20000 इज 1482। सही है सर, परफेक्टली क्लियर हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। यू कैन एलोकेट, लेकिन ये कब होगा? जब आपका वन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कहाँ पे सेलेबल है? एट P1। ये कहाँ पे सेलेबल था? एट P2। लेकिन P2 से P1 लाने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? दिस इज योर एस्टिमेटेड NRV, एस्टिमेटेड NRV हमें निकालना पड़ेगा। सही है सुनो, उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया है, एक बार रिवाइज करता हूँ। पहला मेथड मैंने आपको बताया इज योर फिजिकल आउटपुट। फिजिकल आउटपुट इज नॉट एप्लीकेबल इफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर हैविंग ए डिफरेंट नेचर। अगर दोनों के सेलिंग प्राइस अलग अलग हैं, इसमें नहीं जा सकते, फिर हम लोग नेट कॉस्ट में जा सकते हैं। नेट कॉस्ट में जाएंगे, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट आएगा, दूसरे का नहीं आएगा। तीसरे में जाएंगे, ये सेल्स वैल्यू और मार्केट वैल्यू। दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड, बट नॉट एप्लीकेबल इफ वन प्रोडक्ट इज सेलेबल एट सेपरेशन पॉइंट एंड अदर्स आफ्टर फर्दर प्रोसेस। तो हम क्या निकालेंगे? एस्टिमेटेड NRV, ये आपका एस्टिमेटेड है। उसके अलावा फ्रेंड्स एक आपको आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रियल मेथड। इसको हम बोलेंगे रियल मेथड, और इसको हम बोलेंगे रिवर्स कॉस्ट मेथड। ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं? जितने भी टीचर आपको मिलेंगे,
वो आपको यही सिखाएंगे कि भाई ये सिचुएशन है और इसमें ऐसे एलोकेट होता है, आपको एक सिचुएशन देगा, आपको मेथड देगा और आपको बता देगा, तो वो तो वो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, बीकॉम स्टूडेंट भी कर लेगा उसको। आपको एग्जाम में क्या आता है कि आपको दे के रखेगा और आपको अपना माइंड अप्लाई करके एलोकेट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट करना है। आर यू फॉलोइंग फ्रेंड? आपको अपना माइंड लगा के एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, सो रिवर्स कॉस्ट, इसका मतलब यू टेक सेल्स एट पी टू माइनस प्रॉफिट, आपका क्या आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंस, आपको क्या आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपको सेपरेट कॉस्ट माइनस करना है, बाकी का आपका आ जाएगा जॉइंट कॉस्ट। सही है सर फ्रेंड्स, कौन सा मेथड आपको लगाना है, इस इज योर रियल मेथड, रियल में रिवर्स कॉस्ट मेथड, रिवर्स कॉस्ट मेथड, इट मीन्स यू टेक सेल्स एट पी टू माइनस प्रॉफिट। लेकिन इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ये मेथड लगाना है तो आपके पास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होना ही चाहिए, आपके पास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा तो ही आप ये मेथड लगा सकते हैं, अदरवाइज ये मेथड नहीं लगेगा। जैसे सपोज हम लोगों ने बटर मिल्क को सेल किया था, सपोज बटर मिल्क को हम लोगों ने सेल किया था, कितना हो रहा था 500 केजी एट द रेट ऑफ 10 कम्स टू 5000, प्रॉफिट 10% ऑफ 5000 इज 500, कॉस्ट ऑफ सेल्स 4500, सेलिंग एक्सपेंस 500, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4000, सेपरेट कॉस्ट 500, जॉइंट कॉस्ट आ गया आपका। मीन्स आपने क्या किया, सेल्स ऑफ बटर मिल्क 5000, प्रॉफिट 10% ऑफ 5500, कॉस्ट ऑफ सेल्स 4500, सेलिंग एक्सपेंस 500, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4000, सेपरेट कॉस्ट 500, जॉइंट कॉस्ट 3500। बोलो यस परफेक्ट। लेकिन अब आपका टोटल जॉइन कॉस्ट कितना था 20000, 20 में से आपका बटर मिल्क में कितना निकल गया, बटर मिल्क में आ गया 3500, तो बाकी का बटर में आपका चला जाएगा 16। ये आपका रियल मेथड है, लेकिन इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट। देखो जरा पेज नंबर 10.2 पे मैंने आपको दे रखा है इसका एक्सप्लेनेशन, पेज नंबर 10.2 पे क्या बोल रहा है, रिवर्स कॉस्ट मेथड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड, ये तो आपका होना ही चाहिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिक्वायर्ड है। सेल्स एट पी टू माइनस प्रॉफिट, आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस सेपरेट एक्सपेंस, और जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इट मीन्स यू टेक सेल्स, सेल्स में से प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेपरेट एंड कॉस्ट। सही आसान हो फ्रेंड्स, अब एक एक एग्जाम्पल अगर अपन लेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज यू टेक योर क्वेश्चन नंबर वन एंड पेज नंबर 63, ये आपको लेना है क्वेश्चन बुक से, एंड देन इसका सॉल्यूशन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 10.2 पेज नंबर 10.2 और ये है आपका सॉल्यूशन बुक क्वेश्चन नंबर वन 10.2 पे आपका सॉल्यूशन दे रखा है। आपको ध्यान से सुनना है, आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 63,
क्या बोल रहा है फ्रेंड, ए फैक्ट्री इज एंगेज्ड, ए फैक्ट्री इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल बोमिक्स एंड इन द कोर्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर ए बाय प्रोडक्ट ब्रूसिल इज प्रोड्यूस्ड विच आफ्टर फर्दर प्रोसेस हैज ए कमर्शियल वैल्यू. फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2016 द फॉलोइंग आर द समराइज्ड कॉस्ट डाटा. आपको जॉइंट कॉस्ट दे रखा है, सेपरेट कॉस्ट दे रखा है बोमेक्स का, ब्रूसिल का, मटेरियल लेबर ओवरहेड सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको दे रखा है ओनली ब्रूसिल का. तो अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे रखा है इसका मतलब हम लोग रिवर्स कॉस्ट लगा सकते हैं. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 2000. द फैक्ट्री यूजेज रिवर्स कॉस्ट मेथड. अगर नहीं भी बोला होता तो भी हम लोग रिवर्स कॉस्ट लगा सकते हैं बिकॉज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज गिवन. तो प्लीज जनरल लाइन आप कर लीजिए. द फैक्ट्री यूजेज रिवर्स कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर बाय प्रोडक्ट वेयर बाय द सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट आफ्टर डिडक्टिंग एस्टिमेटेड प्रॉफिट पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रिलेटिंग टू द बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू द जॉइंट प्रोसेस अकाउंट. यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग जॉइंट कॉस्ट एलोकेबल एलोकेट टू बोमेक द प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्री फॉर अप्रैल 2016. पहले अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स, गिवन करके ले लेते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, पेज नंबर 63 एंड गिवन. बराबर है. सबसे पहले आप ले लीजिए जॉइंट कॉस्ट मटेरियल रुपीस 1 लाख, लेबर 50,000, ओवरहेड 30,000, टोटल 180. उसमें आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, एक है बोमेक्स एक है ब्रूसिल. बोमेक्स का सेपरेट एक्सपेंस मटेरियल लेबर ओवरहेड 6,000, 20,000, 10,000, 36,000 मटेरियल और 18,628. ओके, सेपरेट एक्सपेंस हो गया. नाउ प्रॉफिट यहाँ पे नहीं ले, यहाँ पे 4,004 रुपया, 4 रुपीज इंटू 2,000 इज 8,000. ओके, यूनिट सोल्ड है हमारी. जॉइंट कॉस्ट मटेरियल 10,000, लेबर 1 लाख, लेबर 50,000, ओवरहेड 30, मिलके 1,80,000. उनके सेपरेट एक्सपेंसेस हैं मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड. प्रॉफिट इसमें नील है, इसमें 8,000, 2,000 टू 4, यूनिट सोल्ड 2,000, यूनिट सोल्ड 2,000. सही है सर. अब आपका जो रिवर्स कॉस्ट है, कंपनी ने तो बोला भी रिवर्स कॉस्ट और नहीं भी बोला होता, पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मीन्स अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो आपको किससे जाना चाहिए, इज ए रिवर्स कॉस्ट. और रिवर्स कॉस्ट यहां पे लगेगा, यहां पे नहीं लगेगा. यहां पे क्यों नहीं लगेगा, यहां पे रिवर्स कॉस्ट क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट या प्रॉफिट का फिगर नहीं दे रखा है. गो वेरी सिस्टमेटिक, आपको मजा आएगा फ्रेंड्स ये चैप्टर को सीखने में. और ये चैप्टर आगे जाके जब आप फाइनल सीए में आओगे तो आपको ये डिसीजन मेकिंग में आपको मिलेगा. आपको डिसीजन मेकिंग में सीए फाइनल में ये चैप्टर आपको मिलेगा करके ना, वो आप जरा देख लीजिए. फर्स्ट इसे जो वर्किंग नोट नंबर
वन, सेल्स सेल्स ऑफ ब्रूसिल 68 हम लोगों ने निकाला था, 68,000 रुपीज सेल्स, सेल्स अपन को दे रखा है, इट मीन्स आपको सेल्स सेल्स क्या दे रखा है, 2000 इंटू 98, दिस इज योर 2000 इंटू 98 इज 1,96,000, और 2000 इंटू 34 इज 68,000, ठीक है, तो आपका 68 आपका ये आ गया, डिवाइड इंटू प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज गिवन, इट मीन्स प्रॉफिट इज गिवन इज 8,000, सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स 60 माइनस सेलिंग एक्सपेंस नील, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस सेपरेट कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंस नील, ये 60,000, अब आप आ जाइए जॉइंट कॉस्ट आपको क्या दे रखा है 28, इसका मतलब 60 माइनस 28 इज 32, 60 माइनस 28 32, सही है सर, इज दिस क्लियर, ये आपका बैलेंसिंग सब कुछ तो आपको दे रखा है ना सॉल्यूशन बुक में, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, क्या किया है अपन ने, क्या किया है सेल्स सेल्स और ब्रूसेल 68, प्रॉफिट 8,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 60, सेलिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 60, उसमें सेपरेट कॉस्ट 28, 60 माइनस 28 32, एंड दिस इज योर जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट ऑफ रुपीज 32,000, सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर, एकदम क्लियर हो रहा है, बोलो बताइए बराबर, इट मीन्स अब आप आ जाइए फर्स्ट आपका आंसर क्या पूछ रहा है आपसे, आंसर द जॉइंट कॉस्ट एलोकेट टू बोमेक्स, इट मीन्स आंसर नंबर वन, स्टेटमेंट showing allocation of joint cost, आपका joint cost, joint cost था आपके पास 1,80,000, उसमें से आपका ब्रूसिल एंड बोमेक्स, ब्रूसिल का कॉस्ट आया था 32, रेफर नोट नंबर वन, ये आपका क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, इट मीन्स 180 माइनस 32 इज 1,48,000, आंसर नंबर वन हो गया आपका, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट 180, ब्रूसिल 32 नोट नंबर वन, बाकी का बॉमेक्स 148 बैलेंसिंग, सही है सुना, परफेक्टली क्लियर हो, ऑलराइट, दूसरा क्या बोल रहे हैं,
द प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्री फॉर अप्रैल 2016। द प्रोडक्ट वाइज कौन कौन से प्रोडक्ट हैं अपने पास, अपने पास प्रोडक्ट हैं क्रूसिल, वोमेक्स, दोनों का सेल्स ले लो, लेस ज्वाइंट कॉस्ट करो, लेस सेपरेट कॉस्ट करो, प्रॉफिट आएगा, प्रोडक्ट वाइज आ जाएगा और एज ए होल भी आ जाएगा। इट मीन्स दिस इज योर आंसर नंबर टू। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। वोमेक्स, क्रूसिल टोटल सेल्स एट P2, क्योंकि फर्दर प्रोसेस होने के बाद बिक रहा है। क्योंकि अपने को कैसे पता चला फर्दर प्रोसेस होने के बाद बिक रहा है, क्योंकि सेपरेट एक्सपेंसेस दे रखे। ओके, तो कितने में बिक रहा है, इट मीन्स व्हाट योर सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू आप निकालिए, इज 196 एंड 68। बोमिक्स का 196 रुपीज इज रुपीज एंड 68 मिलके हो जाएगा आपका 196 एंड 68 इज 264 लेस जॉइंट कॉस्ट। आंसर नंबर वन इज 148 एंड 32। 148 एंड 32 इज 180 लेस सेपरेट एक्सपेंस इज 36 28 is 64 profit and loss 196 148 36 is 12,000 68 32 28 is 8,000 मिलके होना चाहिए 20,000 264 180 64 20। ये आपका एकदम क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए। दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, बोमेक्स, क्रूसिल टोटल सेल्स एट P2। ठीक है, उसमें से जॉइंट कॉस्ट माइनस करिए आप। ओके, उसमें से सेपरेट कॉस्ट आप माइनस करिए, आपको जो बचेगा दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। परफेक्टली क्लियर। तो अगर आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, अगर आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब आपको रिवर्स कॉस्ट फॉलो करना है एंड यू हैव टू सॉल्व। परफेक्ट, कंटिन्यू करिए आप। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन बुक पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर टू सॉल्यूशन बुक एंड योर पेज नंबर 10.4। क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन बुक पेज नंबर 63, क्वेश्चन टू पेज नंबर सॉल्यूशन बुक 10.4। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, XV Limited मैन्युफैक्चर थ्री प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी।
द एक्चुअल जॉइंट एक्सपेंस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ए पीरियड इज 8,000. इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द प्रॉफिट ऑन ईच ऑफ द प्रोडक्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स इज 30%, 25% एंड 15%. तीन प्रोडक्ट हैं अपने पास, ए बी एंड सी. उनका जॉइंट कॉस्ट है रुपीज 8,000, प्रॉफिट है 30% ए, 25% बी एंड 15% सी. ठीक है, और आपको सब्सिक्वेंट एक्सपेंस, इसका मतलब सेपरेट एक्सपेंस दे रखे हैं आपको ए बी और सी के. ए बी और सी के 450 रुपीज़ फॉर ए, मटेरियल लेबर ओवरहेड, 325 फॉर दिस एंड 2400 फॉर दिस, सॉरी 150 फॉर दिस. सही है, सुनो. और आपको सेल्स वैल्यू दे रखा है, दिस इज सेल्स वैल्यू 6,000 एंड 4,000 एंड 2,400. प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंस फॉर मैन्युफैक्चर ओवर द. अब देखो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट गो इनटू द वर्किंग नोट. अगर आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है वो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट गो टू द अपना जो परसेंटेज फॉर्म है आप उसमें आप आ जाइए. आपका वर्किंग नोट से आप करिए स्टार्ट, वर्किंग नोट से अगर आप स्टार्ट करेंगे आपका काम हो जाएगा. सही है, सुनो कैसे करेंगे. देखो जरा जैसे जो इट मीन्स कैसे इसको करेंगे, जैसे जो वर्किंग नोट नंबर वन सेल्स ए बी सी रुपीज 6,000, 4,000, 2,400 इज 12,400. सही है, सुनो 642400. अब आप आ जाइए माइनस, दिस इज योर प्रॉफिट ए बी सी. व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज आपको दे रखा है 30, 25, 15 इंटू 6,000, 4,000, 2400. It means 6,000 into 30%, 1,800. 4,000 into 25%, 1,000. 2400 into 15% is 1,800 plus 1,000 plus 360, 3160. This is your कॉस्ट ऑफ सेल्स. पहले इसको रिवर्स कर लेने का पूरा ना, इट मीन्स 12,400 माइनस 3160 माइनस 12,400 इज 9,240 डिवाइड इन टू योर सेलिंग एक्सपेंस. ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेपरेट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट. सही है सर, जॉइंट कॉस्ट अपने को 8,000 दे ही रखा है क्वेश्चन में, सेपरेट कॉस्ट ए बी और सी का आपको दे रखा है, ए बी सी का 450, 325, 150 मिलके आपका हो जाएगा टोटल. इट मीन्स 450, 325, 150 इज 9,250. इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 8,925, बाकी का जो बचेगा दैट विल बी योर सेलिंग एक्सपेंस 9,240 माइनस 8,925 will be your selling expense. It means 9,240 minus
8925 विल बी योर 315। अब आप वन बाई वन देख लीजिए करके ना क्वेश्चन को आराम से। अपने पास तीन प्रोडक्ट है, एक्स वी लिमिटेड मैन्युफैक्चर थ्री प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी, टोटल 12,400। द एक्चुअल जॉइंट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चर फॉर ए पीरियड इज 8,000। एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8,000। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द प्रॉफिट ऑन ईच ऑफ द प्रोडक्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स इज 30% फॉर ए, 25% फॉर बी एंड 15% फॉर सी। इट मीन्स 1800, 1360, 3160, 3160, 12,400 माइनस 3160 किया 9240। ओके, जॉइंट कॉस्ट है, सेपरेट एक्सपेंस अपन को दे रखा है, मटेरियल डायरेक्ट लेबर ओवरहेड इज 450, 325, 150, इट मीन्स 925, 9240, 8925, 315। सही है, सुनो, ये 315 को वी विल एलोकेट इन द रेशियो ऑफ सेल्स रेशियो। What your sales is 6,000 for A, 4,000 for B and 2400 for C. It means आपका हो जाएगा 315 divided by 12,400 into 6,000 is 152, 4 divided by 6, 102, 2400 divided by 4000 is 61. It means 152, 102 and 61। मीन्स आपके पास सेल्स था, आपके पास प्रॉफिट था, उससे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, जॉइंट कॉस्ट था, सेपरेट कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बैलेंसिंग फिगर आपका ये हो गया। और ये क्योंकि तीन प्रोडक्ट के लिए 315 है, उसको एलोकेट कर। सही है, सुनो, अब अपने से क्या पूछा है क्वेश्चन में, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चमेंट। अब आप निकाल लीजिए, सेल्स है माइनस प्रॉफिट, तो आपको आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस सेपरेट एक्सपेंस, जॉइंट कॉस्ट है इंडिविजुअल। सो सिंपल, पहले वेरीफाई कर लीजिए, मीन्स ये वाला जो पार्ट है इससे पता चलेगा, इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि यू आर फ्रॉम दानिकी कॉस्टिंग, राइट। वो वाइफ को फोन करेगा और वाइफ को बोलेगा कि आई वॉन्टेड टू गिव यू अ ट्रीट टूडे। वाइफ बोलेगी वाई वॉट हैपन, बोले आई हैव सीन द सॉल्यूशन बुक ऑफ प्रोफेसर दानी टूडे, जिनका संसार में इतना नाम है, राइट। तो ये आपको मेन समझना जरूरी है करके ना। ओके, कैसे फाइनल आंसर करेंगे फ्रेंड्स, इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। कौन कौन से प्रोडक्ट थे फ्रेंड्स अपने पास, प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी, दिस इज योर टोटल, ऑल फिगर्स आर इन रुपीज। फर्स्ट यू टेक सेल्स, व्हाट इज द सेल्स इज गिवन, सेल्स आपको था 6,000, 4,000, 2,400 लेस प्रॉफिट नोट नंबर वन, आपको आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंस आपको आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस सेपरेट कॉस्ट बाकी का जो बचेगा वो जॉइंट कॉस्ट।
सही आंसर होगा, इट मीन्स 6 + 4 + 2 = 400 माइनस प्रॉफिट निकाल लीजिए आप, और योर प्रॉफिट इज 1800। सही है सुनो फ्रेंड्स, 1360, इट मीन्स 1800 1360 is 3160 6 1800 4200 4000 1000 3000 2400 360 2040 12 400 minus 3160 is 9240 less selling expense 52 102 61 152 102 61 315 4200 minus 152 40 3000 minus 102 2898 2040 less 61 1978 4048 is 8925 Then 450 separate expense, 325 separate expense, 150 separate expense. It means 450, 325 plus 150 is 925, 8000, 4048 minus 450 is 3598. 2898 minus 325 2573 1979 minus 150 is 1829. Say yes. ये आपका क्या हो जाएगा, इज ए जॉइंट कॉस्ट 3598 2573 1829। प्रेजेंटेशन आपको कैसा लग रहा है ये बताइए, फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है। हर इंफॉर्मेशन को आप पहले इस फॉर्मेट में डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको रिवर्स कॉस्ट है, रिवर्स कॉस्ट आपका कब लगेगा, जब अगर आपके पास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर आपको दे रखा है तो आपको रिवर्स कॉस्ट लगेगा। अगर आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर आपको दे रखा है तो आपको क्या लगेगा फ्रेंड्स, इज ए रिवर्स कॉस्ट। रिवर्स कॉस्ट है, आप इस तरह से पहले सेल्स, सेल्स में से प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें जॉइंट कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस, और फिर उसको आप रिवर्स कर दीजिए इस तरह से, सेल्स प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स सेलिंग एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और सब आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको कुछ भी हर क्वेश्चन का आपको आंसर आपको दे रखा है करके ना। सही है सुनो फ्रेंड्स, आपको एकदम प्रॉपरली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बताइए। यही चैप्टर आपको फाइनल सीए में डिसीजन मेकिंग के नाम से आपका जाना जाएगा, डिसीजन मेकिंग फॉर फाइनल सीए। ऑलराइट, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन बुक में है आपका पेज नंबर 64 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन में है आपका है पेज नंबर सॉल्यूशन बुक पेज नंबर
परफेक्टली क्लियर है। देखिए जरा क्या बोल रहे हैं। इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट पी, इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट पी, बाई प्रोडक्ट ए एंड बी ऑल्सो इमर्ज, द जॉइंट एक्सपेंस ऑफ मैन्युफैक्चर अमाउंट टू रुपीज 119,550, ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड फर्दर आफ्टर सेपरेशन एंड सोल्ड एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। मेन प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट है अपना पी एंड ए, बाई प्रोडक्ट है बी। सेल्स आपको दे रखा है, कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन, इसका मतलब सब्सिक्वेंट कॉस्ट है, सेपरेट कॉस्ट है, आपको दे रखा है 6,000, 5,000, 4,000। प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स 25%, 20% and 15%। यस, मैंने क्या बोला था आपको, अगर आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, अगर आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है तो आपको क्या करना है, रिवर्स। टोटल फिक्स सेलिंग एक्सपेंस 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्लीज जनरलाइज दैट, टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस आर 10% कॉस्ट ऑफ सेल्स विच अपोर्शन टू द थ्री प्रोडक्ट्स इन द रेशियो ऑफ 20:40:40। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अपोर्शमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। इफ द बाय प्रोडक्ट ए इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग एंड इज सोल्ड एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन फॉर विच देर इज ए मार्केट वैल्यू ऑफ 58,500 विदाउट इनकरिंग एनी सेलिंग एक्सपेंस, वुड यू एडवाइज इट्स डिस्पोजल एट दिस स्टेज। वो बाद में देख लेते हैं, पहले अपन को क्या दे रखा है, तीन प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, पी ए एंड बी, उनका सेल्स दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, सेपरेट एक्सपेंस, जॉइंट कॉस्ट आएगा, पहले वो लेंगे। दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर वन, इज ए सेल्स पी ए बी 90,000, 60,000, 40,000, 1,90,000, say yes or no, less profit P A B 90, 60, 40, what is the percentage of profit, 25, 20, 15, it means 90 into 0.25, 90,000 into 0.25 is 22,500, 12,000, 6,000, 22,500, 12,000 cost of sales 190,4,500, 149,500. Selling expense, क्या बोल रहा है फ्रेंड, सेलिंग एक्सपेंस इज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, 10% ऑफ 149,500, दिस कम्स टू 14,950 डिवाइड ए बी सी इन द रेशो ऑफ 20:40:40, आपको मिलेगा
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 149,500 माइनस 14,950 इज 134,550 लेस सेपरेट एक्सपेंस जॉइंट कॉस्ट. सेपरेट एक्सपेंस ए बी सी 6, 5, 4, 6, 5 and 4 this is 15,000 and 149,500 minus 134,550 minus 15,000 119,550. ये आपका एक बार सेट हो गया देन देर इज नो प्रॉब्लम. 14,950 को यू डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 20% 2,990 5,980 5,980. सही है सोना. आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा वर्किंग नोट में सेल्स सेल्स पी 90,000 ए 60,000 बी 40,000 190 प्रॉफिट. पी उसका 25,20,15 एंड दिस कम्स टू 4,500 टोटल. ये आपने माइनस कर दिया सेलिंग एक्सपेंस. सेलिंग एक्सपेंस का दिस सेपरेट एक्सपेंस एंड सही है. इसको रिवर्स कर दीजिए. आपको अगर प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. ठीक है, सेल्स माइनस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, उसमें से सेलिंग एक्सपेंस आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस सेपरेट कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट, वो आपका आंसर हो जाएगा. आंसर से मार्क्स, मार्क्स से यू पास, पास से जॉब, जॉब से पैसे, पैसे से अच्छे दोस्त. इसके लिए स्टेटमेंट शोइंग सही आंसर हो गया. ठीक है, इट मीन्स दिस इज योर आंसर नंबर वन. स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट. Products P A B total sales 90, 60, 40 rupees. सही है सुनो. ओके, देन माइनस प्रॉफिट. व्हाट इज द प्रॉफिट? वी हैव कैलकुलेटेड 22,500 12,000 एंड 6,000. कॉस्ट ऑफ सेल्स सही है चलो. 90 माइनस 22,500 60 माइनस 12 40 माइनस 6 टोटल 90 प्लस 60 प्लस 40 22,500 12,600 149,500.
और पूरा सॉल्यूशन प्रिंटेड फॉर्म में आपको सॉल्यूशन बुक में दे रखा है 10.6 पे, ये पूरा कैलकुलेशन आपका है। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस सेलिंग एक्सपेंस, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था ना सेलिंग एक्सपेंस 29.9590। इज 4950 आपका आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 67500 माइनस 2990 64510 48000 माइनस 5980 42020 34000 माइनस 5980 28020 42020 64510 is 134550। नेस सेपरेट एक्सपेंस, सेपरेट एक्सपेंस 6000 5000 एंड 4000 जॉइंट कॉस्ट 64510 माइनस 6000 58510 42020 माइनस 5000 इज 37020 28020 माइनस 4000 24020 58510 37020 24020 is 11950। सही आंसर वही आपका 119550 आपका जॉइंट कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखा है। ऑलराइट ऑलराइट परफेक्टली क्लियर या ये आपका इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट हो गया। दिस विल बी योर आंसर नंबर। अब आप आ जाइए क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स अपने से, दिस इज योर आंसर नंबर टू। इफ द बाय प्रोडक्ट ए इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग एंड सोल्ड एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन फॉर विच देर इज ए मार्केट ऑफ 58500 विदाउट इनकरिंग एनी सेलिंग एक्सपेंस वुड यू एडवाइज इट्स डिस्पोजल एट दिस स्टेज। हमको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट अपना है ए, ए को फर्दर प्रोसेस करने की जगह हम लोग सेपरेशन पॉइंट पर भी सेल कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था ना सेपरेशन पॉइंट मीन्स जैसी प्रोडक्ट बनता है वहाँ पर अपन सेल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये है, इसमें आपको ये जॉइंट जॉइंट में आपको मिला बटर मिल्क और सपोज बटर 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 मिल्क को फर्दर प्रोसेस किया। अब फर्दर प्रोसेस करने की जगह हम इसको कहाँ सेल करना चाहते हैं बटर मिल्क को, यहाँ पे। ये हमारा हुआ P1, ये हमारा हुआ P2, ये हमारा क्या हुआ P1। तो P1 पे बेचना चाहते हैं तो P1 पे बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा 58500। P1 पे हम अगर बेचते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इट मीन्स आप देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है इसका। आंसर नंबर टू, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ फर्दर प्रोसेस।
statement showing analysis of further process, it means you take sales at P2. हमारा जो product A है, अगर हम इसको P2 पे सेल करते हैं, अगर हम इसको P2 पे सेल करते हैं, further process है हमारा, अगर हम इसको P2 पे सेल करते, बराबर A है, P2 पे सेल करते हैं, हमें क्या मिलेगा? 60,000. अगर हम इसको सेल्स एट P1 पे सेल करते हैं तो 58,500. तो व्हाट इज द इंक्रीमेंटल सेल्स? इंक्रीमेंटल सेल्स इट मींस P2 माइनस P1. मतलब अगर मैं इसको P1 पे कर दूं तो मुझे मिलेगा 58,500. अगर मैं P2 पे करूंगा तो कितना मिलेगा? 60. तो कितने से बढ़ गया? 60 माइनस 58,500 इज 1,500. लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट एक्सपेंस. व्हाट इज द सेपरेट एक्सपेंस? आपको खर्चा करना पड़ेगा 5,000. इसका मतलब मेरा सेल P1 से P2 में कितने से बढ़ रहा है? 1500. लेकिन मेरा कॉस्ट कितने से बढ़ रहा है? 5000. तो इंक्रीमेंटल लॉस इज 3500 और डिसीजन मेरा हो जाएगा P1. मुझे ये प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करना चाहिए? मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना चाहिए एट P1, क्योंकि अगर मैं P1 पे सेल करता हूँ तो मुझे मिलेगा 58,500. P2 पे करता हूँ तो मुझे मिलेगा 60,000. तो इंक्रीमेंटल सेल्स कितना हुआ? 1500. उसमें से सेपरेट एक्सपेंस कितना है? 5000. इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना है? 3500 का लॉस. इसका मतलब मुझे कहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए? मुझे ये कहाँ पे सेल करना चाहिए? एट P1 पे सेल करना चाहिए. से यस ऑर नो फ्रेंड्स? परफेक्टली क्लियर ऑर नॉट? बोलो, प्रॉपर आ रहा है, समझ में आ रहा है? बोलो. तो इसका मतलब मुझे कहाँ पे सेल करना चाहिए? एट P1. फिर फ्रेंड्स आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है. आप सॉल्यूशन बुक में देखिए पेज नंबर 10.6 ऑफ सॉल्यूशन बुक, पेज नंबर 10.6 ऑफ सॉल्यूशन बुक, पेज नंबर 10.6 ऑफ सॉल्यूशन बुक पे जाइए. एक होता है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री. व्हाट इज डिसीजन ट्री? इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. पहले उसका मैंने आपको मीनिंग बताया. मीनिंग ऑफ डिसीजन ट्री, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट एंड गोज टू राइट. ये आपका एक बॉक्स रहेगा, आपको एक डिसीजन लेना रहता है वेदर टू गिव एग्जाम, आपको एग्जाम देना चाहिए और डू नॉट गिव. आप एग्जाम देंगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट आएगा, ये आपको बताएगा रिजल्ट, ये आपको बताएगा रिजल्ट. यू पास और यू फेल. आप दानी सर से कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो आप 100% पास तो होने ही वाले हो. राधे राधे बोलो, ताली बजाओ. हैं, आपने डिसीजन लिया कि वेदर टू एग्ज़ाम देना चाहिए सीए एग्ज़ाम, इंटर का एग्ज़ाम देना चाहिए एग्ज़ाम और डू नॉट गिव. अगर आपने दिया तो यू पास और यू फेल. अब पास हो गए तो वापस आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आर्टिकलशिप ज्वाइन करूँ, ये करूँ, वो करूँ. तो ये क्या होगा? इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट एंड गोज टू राइट. लेफ्ट से चल के लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी, लेफ्ट टू राइट. इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट एंड गोज टू राइट. इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट एंड गोज टू राइट. दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स, रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड कैपिटल बजटिंग. कभी कभी थ्योरी में भी ये क्वेश्चन 2-3 मार्क का आपको आ जाएगा. What is decision tree? It is a graphical representation. Starts from left and goes to right. Starts from left and goes to right. Say yes or no, friends. Okay? यहाँ से start होके यहाँ जाएगा. ये आपको बताएगा box कि आपके पास option क्या है. और after taking a option, आपको ये बताएगा आपका result क्या है. ठीक है? अब देखो इसका कैसे अपन apply करेंगे joint product में. क्वेश्चन नंबर 4 आप ले लीजिए.
क्वेश्चन फोर एंड आपका क्वेश्चन नंबर फोर, आपका पेज नंबर 64 ये क्वेश्चन बुक में है, क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन फोर पेज नंबर 64, क्वेश्चन फोर पेज नंबर 10.6 ये आपका कहाँ पे आएगा, सॉल्यूशन बुक, क्वेश्चन बुक में ये एंड सॉल्यूशन बुक, क्वेश्चन फोर पेज नंबर 64, सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर फोर पेज नंबर 10.6। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स आप देखिए, प्री सेपरेशन कॉस्ट, आपको प्री सेपरेशन कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, कंबाइंड कॉस्ट आपको सेम है। आप देखिए पेज नंबर 64 पे आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, प्री सेपरेशन कॉस्ट, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, प्रोडक्शन है एक्स वाई एंड जेड, 1000 यूनिट, 6000, 4000, अपॉर्शन द जॉइंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इफ द वैल्यू असाइन टू देम, इट मीन्स वैल्यू मीन्स सेल्स वैल्यू, एक्स वाई जेड 8, 5 एंड 3। तो पहले आप डिसीजन ट्री बनाइए इसका, दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1, ये आपका डिसीजन ट्री, ये आपका ठीक है, जॉइंट कॉस्ट बोलो या प्री सेपरेशन कॉस्ट पॉइंट बोलो, प्री सेपरेशन कॉस्ट कितना है, मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन ओवर है 10, 5, 20,000। ये 20,000 को हम प्री सेपरेशन बोल सकते हैं, जॉइंट कॉस्ट बोल सकते हैं, कंबाइंड कॉस्ट बोल सकते हैं, कॉमन कॉस्ट बोल सकते हैं। इसके बाद अपने पास तीन प्रोडक्ट हैं एक्स वाई जेड, उनके यूनिट्स हमें दे रखे हैं 1000, 6000, 4000 सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है आपको 8, 5 एंड 3, ये हमारा आ जाएगा सेल्स एट P1 8000, 30,000। इस रेशियो में ये वैल्यू इनको असाइन किए, आपको 20,000 को एलोकेट करना है। व्हाट इज डिसीजन ट्री, मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट एंड गोज टू ये लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट से स्टार्ट होके आपका राइट की तरफ चला जाएगा, सही है सुनो। डिसीजन ट्री में क्या, अगर आपने क्वेश्चन को पुटअप कर लिया ना तो आपको बहुत इजी लगेगा फिर आपको, अगर आपने डिसीजन ट्री में क्वेश्चन को पुटअप कर लिया तो आपको बहुत इजी लगेगा राइट, एकदम आपका काम हो जाएगा, आपको फाइनल आंसर करना है, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग क्या बोल रहा है, एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड सेल्स एट P1 8000, 30,000, 12,000, जॉइंट कॉस्ट 20, इन द रेशियो ऑफ 8:30:12, ये रेशियो में आपका चला जाए, कम्स टू 3200, 12,000, 4800।
सही है। तो ये डिसीजन ट्री मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि एक तो आपको थ्योरी में आ सकता है व्हाट इज डिसीजन ट्री, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट एंड गोज टू राइट, और दूसरा आपका क्या हो सकता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का, क्या बच्चे लोग समझ नहीं पाते, अब आपको मजा आएगा इसमें करना, समझने में आपको मजा आएगा कि क्या क्या अपने को दे रखा है। तो अब डिसीजन ट्री में अगर आप डाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। सही है, सुनो ओके। तो अभी आप छोड़ा एक ब्रेक ले लो, यहाँ तक रिवाइज कर लो, फिर मैं आपको कंटिन्यू कराता हूँ ओके।